आपको तो पता ही है कि आजकल हम लोग मेल आईडी अपनी हर जगह यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी साइट को लॉगिन करते हैं या फिर हम लोग उसको साइन अप करते हैं तो सबसे पहले मेल आईडी मांगता है। इसके बाद में अगर हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मेल आईडी मांगते हैं। ऐसे ही हर जगह जिस भी नई चीज़ में, जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, कोई भी यूज़र आईडी बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर एक मेल आईडी मांगी जाती है। ऐसे में ऐसा होता है कि कई बार कुछ जगह पर जहाँ हमें अपनी मेल आईडी नहीं देनी होती वहाँ भी अपनी मेल आईडी का एक्सेस दे देते हैं, जिससे हमारा कई बार जो है वो डेटा हैक हो जाता है या फिर हमारी मेल आईडी पूरी हैक हो जाती है। तो हम ये कैसे जाने कि हमारी मेल आईडी किस किस ऐप में हमने यूज की हुई है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि हमने अपनी मेल आईडी किस किस ऐप में या किस किस साइट में हम लोगों ने अपना उसका एक्सेस जो है हमने दे रखा है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी मेल आईडी ओपन करके रखी हुई है। अब इसमें हमें यह जानना है कि हमारी मेल आईडी अभी कहाँ कहाँ यूज है, मतलब किस किस ऐप में अभी हमने उसको यूज किया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अकाउंट पर यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज और गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको, जब आप देखेंगे इस पर जब आप क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप होम पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिख के आएगा, फिर उसके बाद अकाउंट हमारा जो ऑलमोस्ट फुल है वो दिखा रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर और सारे सजेशन मिलते हैं कि आप रिकवरी मेल ऐड कर सकते हो, अपना अकाउंट स्टोरेज जो है उसको आप मैनेज कर सकते हो। इतना करने के बाद अब आपको जाना है अपने सिक्योरिटी पर। जब आप सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएंगे। क्या आप भी CCC, MS Office, Advanced Excel, Tally, RP9, Tally Prime जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको CCC, MS Office, Advanced Excel, Tally, RP9, Tally Prime, Computer Fundamental, LibreOffice जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे आते जाना है और नीचे जब आप आएंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहाँ पर आपको SEO, SMO, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट एनरोल इन डी मीडिया कोर्सेज एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें हमें देखो क्या करना है कि इस पर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू मोर जो है इसमें और भी है जिसपे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है टोटल एप्स एंड सर्विसेज। ये वो थर्ड पार्टी एप्स और सर्विसेज है जिसमें आपने अपनी मेल आईडी दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसमें किसमें आपने अपनी मेल आईडी दे रखी है, वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। अगर आपको इनमें से कोई हटाना है तो आपको इस पर बस सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में उसे आप यहां से हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें उसमें अपना, मतलब उस हमें उसमें अपना मेल आईडी एक्सेस नहीं करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद में डिलीट द कनेक्शंस यू हैव बिड अडॉप एक्रोबैट रीडर, इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से कंफर्म करोगे तो हमारा जो मेल आईडी है वो हमारा एडोब से उसका एक्सेस जो है वो यहाँ पर हट जाएगा, लिख के आपके सामने आ जाए यू आर नॉट नो लॉन्गर विद एडोब एक्रोबैट करके। अब आप देखोगे अब हमारे सामने सिर्फ यहाँ पर चार जो है वो कनेक्शंस बचे हुए हैं। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन किस बात की? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है टी पॉइंट टेक, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे AI, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर BI जैसे ढेर सारे कोर्सेज और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू ज्वाइन आईटी सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट एनरोल इन टी पॉइंट टेक एंड Take your next step towards your dreams. इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपकी मेल आईडी किस किस थर्ड ऐप जो है जो आपकी
थर्ड पार्टी एप्स के साथ आपकी कनेक्ट है और आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हो। और आप कोशिश करो कि जो भी इधर उधर की साइट्स हैं या ऐप्स हैं उनमें आप अपनी मेल आईडी को एक्सेस करके ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते और हम किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक कर देते हैं या किसी भी ऐसे साइट पर क्लिक कर देते हैं, हमें लगता है कि ये जॉब दिला देगी, ये है वो है, और हम उनमें अपना अकाउंट बना लेते हैं, हम उसमें अपना मेल आईडी भी दे देते हैं। इसी तरीके से हमारी मेल आईडी आजकल अक्सर जो है वो एक्सेस हो जाती है, हैक हो जाती है, हमारा सारा डेटा लॉस हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपने इससे काफी सारी चीजें सीख भी ली होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे।